भाग गए वो लोग। भले तुम्हें क्या जरूरत थी उनके पीछे जाने की? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? उन गुंडों को मारने के बाद जो होता सो होता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे पड़ता है। चले कहाँ? मंदिर। ओह हाँ, चलते हैं ना। सच में आज का दिन भी कितना ड्रामेटिक था। ड्रामा तो बस अभी शुरू हुआ है मलय। मतलब अब देखो ना, अभी तो हमारी शादी की बात बस पक्की हुई है, तो ये हाल। शादी तक और कितना ड्रामा देखने को मिलेगा, है ना? Yep. तू एक विष कन्या है। I'm sorry. मैंने कुछ गलत कर दिया ना? नहीं, तुम मुझसे प्यार तो करती हो ना अप्पू? हाँ। तो फिर कभी कहती क्यों नहीं? मतलब? कल्पना काकी भी बिल्कुल सही कहती है, तुम प्यार के मामले में एकदम बुद्धू। अप्पू, हम जिनसे प्यार करते हैं उन्हें बताना भी पड़ता है, बिना प्यार का इजहार किए कोई कैसे समझेगा? पर तुम तो सब जानते हो, तुमने सुना तो था मुझे माँ से कहते हुए। पर मुझसे तो एक बार भी नहीं कहा। जरूरी तो नहीं कि हर बात कह के जाहिर की जाए, कुछ बातें महसूस करने से ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। एक तो तुम्हारी बातों के सामने मेरी बोलती बंद हो जाती, क्योंकि तुम्हारी बातों का ना मेरे पास कोई तोड़ होता है और ना ही वो मुझे गलत लगती है। लगता है शादी के बाद मुझे मौन व्रत धारण करना पड़ेगा। लोग सही कहते हैं, शादी के बाद हस्बैंड की बैंड बज जाती है, इसीलिए तो उसे हस्बैंड कहा जाता है। हे भगवान, प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो, इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो। देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा, तुम्हें बदला ही लेना ना, तो तुम निकल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मत मारो प्लीज। सिद्धार्थ, लिसन टू मी, यस जोकर है। सिद्धार्थ, तुम यहां कैसे आए? सिद्धार्थ, मेरी बात सुनो। रोशनी, यस जोकर, लिसन टू मी, डैम इट, यस इज द जोकर, मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ, तुम क्या बोल रहे हो? यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है। हाउ कुड इट बी? और तुम कोमा में थे ना? पास वक्त नहीं है, वो सब एक नाटक था, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे, और वही हुआ। और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू मॉम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। ए सरोजनी बिटिया, ए थोड़ा संयम से काम लेना, कहे कि थाने पुलिस का चक्कर बहुत अच्छा नहीं होता। मैं बस इतना जानती हूँ माँ जी कि मैं अपने सुमेंद्र के गुनहगार को इस तरह बचकर नहीं जाने दूंगी। हेलो, अच्छा हुआ भास्कर भी आएगा। वाह, मैंने हमें कहा था कि तुम होली नहीं खेलती, हमें रंग नहीं लगाने दिया,
और किसी और से रंग लगवा दिया। रचा जी, मैं थारी नौकर से, थारी जागीर ना से। ये आमिर कोट है और यहाँ हमारी हुकूमत चलती है। थारी हुकूमत आमिर कोट पर से, मारे मन पे ना से, मारा मन मारे मर्जी का मालिक से। मने कौन रंग लगा सके और कौन ना लगा सके, क्यों मारी मर्जी से। और हमारी मर्जी का क्या?